Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज मार्केटिंग और इसकी डेफिनेशन जानेंगे हम और व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपर। तो हमें इस वीडियो का नाम ये रखना चाहिए, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, मार्केटिंग एक शब्द है जिसका मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है और इसको लोग काफ़ी छोटा समझते हैं, नैरो समझते हैं। मार्केटिंग जैसे ही दिमाग में आता है, लोगों का मन में आ जाता है कि एडवर्टीजमेंट करना, कमर्शियल्स, प्रमोशन करना। तो सिर्फ मार्केटिंग यहाँ तक सीमित नहीं, मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है जो एक पूरी कंपनी की ग्रोथ डिसाइड करता है। तो चलिए हम आगे पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कस्टमर्स। अब देखिए, इसको अगर हम समझें तो यहाँ पे प्रॉपर एक बात ये हो रही है कि हमको सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना है किसी कस्टमर तक, हमें वैल्यूज़ डिलीवर करनी है जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है किसी कस्टमर के साथ मेंटेन रख सके कंपनी। ठीक है, तो मार्केटिंग का अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको समझें तो मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, मतलब मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। अगर हम जो ज़रूरतें हैं कस्टमर की वो हम प्रॉफिट के साथ अगर उन चीज़ को, ये मतलब ज़रूरतें और प्रॉफिट मिलाना है कैसे, है ना, मतलब अगर हम कस्टमर की प्रॉपर ज़रूरतें या नीड्स समझते हैं तो हम उससे काफ़ी सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमको प्रॉपर नीड्स पता है कस्टमर की तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट है जो हमारा उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, या कोई हमारी सर्विस है उस सर्विस में क्या कमियां हैं या क्या रिक्वायरमेंट है किसी कस्टमर की उस सर्विस के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम जान पाएंगे और उन सारी चीज़ों को कस्टमर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएंगे। तो जिससे कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तो और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बढ़ेंगे हमारे कस्टमर के साथ। और कस्टमर रिटेंशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर मार्केटिंग प्रॉपर करते हैं तो कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है। तो इस चीज़ को एक थोड़ा समझें, कस्टमर रिटेंशन हमारे लिए क्यों मैं ये शब्द बार बार आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए प्रॉपर अगर मार्केटिंग नहीं होती है, तो मार्केटिंग मतलब कस्टमर की नीड्स को समझना। इस अगर हम कम शब्दों में अगर इसको समझना चाहें तो मार्केटिंग मतलब हम प्रोडक्ट और सर्विसेज उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें जो हमारी कस्टमर की नीड्स हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ेगा, हमारा जो मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगी, पोजिशनिंग भी बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड इमेजिंग अच्छी होगी हमारी। तो इसको समझें, कस्टमर रिटेंशन। अब देखें, कस्टमर रिटेंशन मतलब अगर हमारी कोई प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करते हैं, वो प्रोडक्ट अगर हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं और कस्टमर सेटिस्फाइड अगर नहीं है उस प्रोडक्ट से, तो धीरे धीरे हमारी सेल्स घटने लगेंगी, ठीक है ना। अगर हमारा भाई कस्टमर है, कस्टमर तक हमने सेल कर दिया प्रोडक्ट, और सेल से अगर सेटिस्फाइड नहीं कस्टमर, तो हमारी क्या होगी, सेल्स रिड्यूस हो जाएंगी। अब यहाँ सेल्स रिड्यूस होती जाएंगी, कस्टमर रिटेंशन, सेल्स रिड्यूस जब होंगी जब कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, तो कस्टमर का जो हमारी रिटेंशन मतलब नंबर ऑफ कस्टमर हमारे घटते जाएंगे। अब वापस से कंपनी क्या होगी, काफ़ी लॉस में जाने लगेगी। अब इसके लिए कस्टमर फिर रिसर्च कराएगी कि भाई क्यों हमारे कंपनी में कस्टमर्स घट रहे हैं और हमारा जो सेल्स घट रही है। तो ये सारी चीज़ें अब बाद में कंपनी इस रिसर्च पे पैसे लगाएगी, ठीक है ना। अब बाद में कंपनी इस रिसर्च पे, ये पूरी प्रोसेस पे पैसे लगाएगी कि हमारी सेल्स क्यों घट रही है, ठीक है ना। अब इसमें भी पैसा खर्च होगा, और पहले आपको लॉस हुआ ही, जब आपके कस्टमर बेस आपका घटा और सेल्स घटी तब भी आपको लॉस हुआ है। तो जो भी हम हमारी आगे की हम प्रोसेस कर रहे हैं सेल्स इंक्रीज करने के लिए, जो भी हम स्टेप्स उठाएंगे या हम प्रमोशन करेंगे या व्हाटएवर स्टेप्स, जो भी हम स्टेप्स उठा रहे हैं, प्लस जो लॉस हमको पहले हो चुका है, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी अगर प्रॉपर मार्केटिंग नहीं की गई। अब पहले ही मान लीजिए, अगर हमने पहले ही अगर मार्केटिंग कर रखी होती प्रॉपर, इसको समझें, अगर हमने पहले ही पूरा मार्केटिंग रिसर्च या मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर होता पहले ही, तो हम क्या जानते, कस्टमर की नीड्स पहले ही जानते, कस्टमर की जो हमारी नीड्स हैं वो जानते, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, प्रोडक्ट में क्या डिज़ाइनिंग है, जो भी एक मान लीजिए कोई एक पेन है या फिर कोई भी बुक है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहिए था या कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए था, तो वो हम प्रोडक्ट बना नहीं पाए। तो अब इसके बाद जो हमें उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा, ये जो भी हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस हमारी थी, वहाँ पे कस्टमर की नहीं थी, तो हम कस्टमर की नीड्स के प्रति अवेयर नहीं थे, तो उसके कारण जो भी हमारा लॉस होता वो बचाया जा सकता था प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के जरिए। तो नीड्स अगर हम जानते कस्टमर की, तो उसी के कारण हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते जिससे कि हमारा कस्टमर रिटेंशन बढ़ता, मतलब कस्टमर हमारे
रुकते और कस्टमर हमको छोड़ के नहीं जाते। एक बार कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता तो अगली बार भी वो प्रोडक्ट यूज़ करता ही, और लॉन्ग टर्म तक हम उस कस्टमर को गेन कर लेते जिससे हम क्रॉस सेलिंग भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो क्रॉस सेलिंग मतलब एक प्रोडक्ट बेचा, अब कस्टमर को बिलीफ है अगर हमारी ब्रांड पे, तो वो दूसरा, जैसे अगर कोई भी हम दूसरा प्रोडक्ट लाते हैं तो वो प्रोडक्ट भी हमारा कस्टमर हमसे ही खरीदेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप बेनिफिट कमाना चाहते हैं तो अभी आपको मार्केटिंग, पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट पे आपको इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ कंपनी बढ़ती है। तो इसको और अच्छे से समझें। देखिए, अगर हमारे पास कोई कस्टमर है, कस्टमर टारगेटिंग, अब जैसे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले कस्टमर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, हम इन्फॉर्मेशन लेंगे कस्टमर की डेमोग्राफी, ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन और उसकी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स क्या क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो मैनेजिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब यहाँ पे हम कस्टमर से जो प्रॉफिटेबिलिटी है या कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों हमको मैनेजमेंट करना है। और इसके बाद ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कस्टमर रिटेंशन, मतलब कस्टमर रिटेंशन के तरफ हमको ओरिएंटेशन होना चाहिए। हम कस्टमर किस तरीके से रोकने, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। और कस्टमर रुकेंगे कब, कि जब कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी और हमारी भी प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ पे हमको दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलना। हमको ये नहीं कि सिर्फ हमारा प्रॉफिट देख के चलना, हमें कस्टमर को भी देख के चलना है कि उसके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं प्रोडक्ट, और किस तरीके से हम उसको कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं प्रोडक्ट को। और सबसे लास्ट चीज़ होती है कस्टमर टारगेटिंग, मतलब कि कस्टमर टारगेट करके चलना है हमको, कि किस कस्टमर को हम कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम गलत टारगेट ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो सबसे एक आसान एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊंगी, जैसे टारगेटिंग के लिए अगर हम हाउस लोन अगर बेचना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहेंगे जिनके पास घर नहीं है, ठीक है ना। अब जिनका होम लोन ऑलरेडी है उन लोगों को दोबारा से होम लोन तो की ज़रूरत है नहीं, तो होम लोन अगर हम बेचना चाहते हैं तो उन लोगों को बेचेंगे कि जो जिनके पास खुद का घर नहीं है, जो रेंटेड अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। तो इस तरीके से हम कस्टमर टारगेटिंग करते हैं। और यहाँ पे अगर हम पूरी प्रोसेस देखें तो मार्केटिंग की पूरी प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और सेल्स और एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल्स या प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से लेके जो कस्टमर तक चैनल है, वो सारी चीज़ें हम कस्टमर ओरिएंटेड होके करें, ठीक है ना। कस्टमर की नीड्स को जानते हुए अगर हम सारा पूरा स्ट्रक्चर, हमारी कंपनी का फॉर्मेट अगर हम बनाते हैं तो वो कहलाती है प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसको हम बोलते हैं। दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टाटा जो कंपनी है, इसने अगर प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू, इन्होंने टाटा एस को लॉन्च करा, ठीक है, टाटा एस लॉन्च करा, जिसको छोटा हाथी बोला जाता है। अब ये एक ऐसा व्हीकल था जो कम लोड ले आ सकता था, ट्रक से काफ़ी कम लोड ले आ सकता था, ठीक है ना। तो इतना कम लोड ले आने वाले व्हीकल को लॉन्च करना और इतने बड़े पैमाने पे इंडिया जैसी कंट्री में, ये टाटा के लिए काफ़ी लॉस पैदा कर सकता था, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ट्रक्स, इतने बड़े बड़े ट्रक्स अवेलेबल हैं। तो इसको लॉन्च करने के पहले रिसर्च करा गया। देखिए, इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है ना। ग्रोइंग इकोनॉमी मतलब यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटा छोटा बिजनेस होता है लोगों का, है ना। और कई सारे ऐसे जो नए एंटरप्रेन्योर हैं या फिर कई स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे इन छोटे व्हीकल्स की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़े व्हीकल्स की ज़रूरत पूरा करने के लिए बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ट्रक मैन्युफैक्चरर हैं, टाटा खुद भी बड़े बड़े ट्रक मैन्युफैक्चर करता है। पर जो एक जोन था छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स का या छोटे शॉपकीपर्स का या ऐसे जो डीलर्स थे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को इधर से उधर पहुंचाना चाहते थे, उनको टारगेट नहीं किया गया था। तो प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के ज़रिए उन्होंने पता करा कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, ठीक है ना, और एक टारगेट ऑडियंस खोजी और उन्हीं के लिए ये, और मार्केटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करी गई कि छोटा हाथी एक जो आम आदमी तक ये पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट, उसी तरीके से मतलब मार्केटिंग करी गई। और टारगेट मतलब टारगेट ऑडियंस को एक्वायर करने के लिए सबसे पहले कस्टमर को नीड्स को जाना उन्होंने, ठीक है, ज़रूरतों को जाना, उसके बाद टारगेट ऑडियंस पता करी और उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन करा और उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली लॉन्च करा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोडक्ट में और इम्प्रोवाइजेशंस करते गए, उसमें और इनोवेट करते गए। तो इनोवेशन भी ज़रूरी है, और उन्होंने कस्टमर की नीड को जाना। तो सबसे पहले टाटा एस आया, फिर उसके बाद थोड़ा एस एक्सल आया। अब इस तरीके से धीरे धीरे वो साइज़ बढ़ाते गए कि हाँ ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट पूरी कर ही रहा है, इससे और बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए हम थोड़ी सी और बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए हम थोड़ा सा और बड़ा ट्रक दें। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें टाटा ने अचीव करी। कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन लोगों ने ये चीज़ नहीं गौर करी, उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के ज़रिए ये चीज़ उन्होंने एक तरीके से खोजी गई ये चीज़,
ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है प्रॉपर, तो उसके लिए आपको टारगेट ऑडियंस खोजनी पड़ेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट अगर आपको पता है तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो ये एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की पूरी एक समझ थी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट तो एक पूरा ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर को हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। हर एक कदम जो है, हर एक स्टेप कंपनी का, जहाँ रॉ मटेरियल से लेके लास्ट एंड जो हमारा रहता है कस्टमर तक पहुँचने तक, जो भी सारी प्रोसेस रहती है सारी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर की नीड्स को अगर हम जानते हुए प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं और कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं, तो वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपरली कस्टमर के अराउंड घूमता है, ठीक है ना। कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन, बाद में फीडबैक लेना हमारा कस्टमर से प्रॉपर है कि भाई फीडबैक अगर नहीं लेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमको जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूव क्या करना है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बाजू में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।